दोस्तों इस टाइप के प्रोडक्ट्स अगर आज भी देखते हो आप, तो आपके मन में आपका बचपन जाग उठता है। आपको इन प्रोडक्ट्स के साथ खेलने का अलग ही आनंद आता है। आप अपने बचपन की कुछ यादों में चले जाते हो। और फिलहाल दोस्तों इस वीडियो का मकसद इन प्रोडक्ट्स को एडवर्टाइज़ करना कतई ही नहीं है। तो इस वीडियो एपिसोड में मैं आपको सिर्फ इन प्रोडक्ट्स को खोल कर दिखाने जा रहा हूँ और बेसिक इनका प्रिंसिपल बताने जा रहा हूँ। हालांकि दोस्तों दो ही टॉयज़ हैं मेरे पास फिलहाल, मेरे को अभी टॉयज़ नहीं मिल रहे हैं। मैं अपनी बिटिया के लिए लेके आया था ये टॉयज़ बड़ी वाली के लिए, तो ये काफ़ी टूट फूट चुके हैं, काफ़ी गुम हो चुके हैं, वो तो खेल नहीं पाती है। पर फिलहाल हम ही लोग दोस्तों इसे खेल लेते हैं। तो फिलहाल दोस्तों आप देख सकते हैं, एक पिजन है, डोरेमोन है, इसके साथ एक कार भी थी दोस्तों, रिमोट कंट्रोल कार भी थी, हेलीकॉप्टर भी था दोस्तों उड़ने वाला। तो फिलहाल अभी मुझे कुछ नहीं मिल रहा है। तो फिलहाल मैं आपको सिर्फ ये बता देता हूँ कि इस टाइप के जो मैकेनिकल टॉयज़ होते हैं, जिनमें एक विंड लगी होती है, चाबी लगी होती है, जिससे आप उसमें चाबी भरते हो और ये जो प्रोडक्ट्स हैं ये चलना कूदना शुरू कर देते हैं। तो दोस्तों आइए आप देखते हैं कि ये प्रोडक्ट्स कैसे वर्क करते हैं। तो फिलहाल दोस्तों रेफरेंस के लिए मैं यहाँ पर एक पिजन ले रहा हूँ, ये काफ़ी उमदा डिज़ाइन है और दोस्तों यहाँ पर खूब सारी मैकेनिक्स इस्तेमाल हो रखी है। तो मैं आपको ज़्यादा इन डिटेल में नहीं समझा पाऊँगा गियर सिस्टम कैसे वर्क करते हैं। पर फिलहाल दोस्तों कोशिश करता हूँ कि आपको एक बेसिक आइडिया दे दूँ, ताकि अगर आपसे आपका बच्चा पूछे कि पापा ये मम्मा ये प्रोडक्ट्स कैसे वर्क करते हैं, तो आप उनको एक सेटिस्फैक्ट्री जवाब दे सके। तो फिलहाल दोस्तों मैं इस पिजन को खोलने जा रहा हूँ। तो फिलहाल डिवाइस के अंदर या इस मैकेनिक्स के अंदर कोई ज़्यादा पेचीदा नहीं कुछ होगा, यही मैं मान रहा हूँ। और खोल के देख लेते हैं दोस्तों। तो आप देख सकते हैं कि एक वाइंडिंग व्हील है चाबी भरने के लिए, एक प्लास्टिक का की दे रखी है। अच्छा दोस्तों ये टांगे भी शायद निकलेंगी, या हाँ ये टांगे भी निकलगी। तो दोस्तों प्रोडक्ट कुछ ऐसा है, कुछ प्लास्टिक है इसके साथ, टांगे हैं इसकी और एक वाइंडिंग की है और कुछ मैकेनिक्स है। तो दोस्तों आइए आप देख लेते हैं इस मैकेनिक्स को। इसके अंदर एक स्प्रिंग है, एक तरह से जब आप इस की को घुमाते हो तो इस सारी एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी की टर्म्स में इस स्प्रिंग में स्टोर हो जाती है। और फिलहाल अगर आपका ये जो कि एक तरह से इसको कंट्रोल किए हुए बैठा हुआ है, अगर ये नहीं होता दोस्तों तो सारी एनर्जी आपकी इन गियर्स के जरिए लॉस हो जाती यहाँ पर। और फिलहाल आपको मैं दिखा देता हूँ कि ये कैसे वर्क करता होगा। दोस्तों मुझे अभी कन्फर्म नहीं पता ये कैसे वर्क करता है। तो एक तरह से स्प्रिंग जो यहाँ पर एनर्जी स्टोर किए हुए बैठा है, और दूसरा ये स्प्रिंग, इन दोनों के बीच में एक तरह से टेंशन चल रही है, एक प्रतिस्पर्धा चल रही है, और इसी प्रतिस्पर्धा के वजह से ये शायद एनर्जी सारी लॉस नहीं कर देता। दोस्तों देखा कि आपने, मैंने ये स्प्रिंग हटा दी है तो अब प्रतिस्पर्धा खत्म हो गई है। तो यहाँ पर जो डोमिनेटिंग वाला है पोर्शन, तो वो था ये वाला स्प्रिंग, और ये अपनी सारी एनर्जी आराम से रिलीज़ कर देगा। तो फिलहाल दोस्तों यहाँ पर प्रतिस्पर्धा है दो टेंशन्स की, दो स्प्रिंग्स की। एक स्प्रिंग यहाँ पर स्टोर किए हुए बैठा हुआ है, सारी एनर्जी डिलीवर कर रहा है यहाँ पर, देख सकते हो आप आराम से। तो ये एनर्जी सारी यहाँ पर डिलीवर कर रहा है, और फिलहाल देख सकते हो कि ये एनर्जी गोल रोटेट होने में काम नहीं आ रही। एक तरह से यहाँ पर एक हैंडल लगा हुआ है, तो ये हैंडल ऐसे रोटेट करके एनर्जी को रिलीज़ कर रहा है। और फिलहाल दोस्तों ये एनर्जी डायरेक्टली रिलीज़ नहीं हो पाएगी अगर यहाँ पर एक और स्प्रिंग लगाओ। तो फिलहाल आप दोस्तों ये स्प्रिंग क्या किए हुए है, एक तरह से बांधे हुए है इसको। आपको मैं दिखा देता हूँ कि कैसे ये वर्क कर रहा है। तो मैंने बड़े वाले स्प्रिंग में, जो इंटरनल स्प्रिंग है, उसमें एनर्जी स्टोर कर दी है। तो फिलहाल आप देख सकते हो कि होता है क्या है, जैसे आप इसको आगे को प्रेस करोगे तो कुछ नहीं होगा, तो कोई फर्क नहीं पड़ा, पर जैसे आप इसको पीछे को प्रेस करोगे तो जो ये स्प्रिंग में एनर्जी है वो रिलीज हो सकती है दोस्तों, ऐसे घूम के, ना कि उल्टा घूम के। तो अगर मैं इसको सीधा घुमाने की कोशिश करूँगा तो ये नहीं एनर्जी रिलीज करेगा, पर जैसे इसको पीछे ले जाऊँगा तो दोस्तों देख सकते हो कि खांचा कुछ इस टाइप से है, और जैसे आप इसको पीछे ले जाओगे तो अचानक से इसको मोड़ने का टाइम मिल जाएगा, तो अचानक से अपनी एनर्जी लॉस करके कहाँ पहुँचेगा दोस्तों, यहाँ पहुँचेगा। तो फिलहाल दोस्तों ये होता है ऐसे कि आपने पीछे मोड़ा तो ये अपनी एनर्जी रिलीज़ करेगा रोटेट करते हुए, और जैसे यहाँ पर पहुँचा इसको मौका मिलेगा रिलीज़ करने का, तो ये यहाँ पर पहुँच के अपनी एनर्जी रिलीज़ कर देगा। और फिलहाल दोस्तों क्योंकि आपको पता है स्प्रिंग मोशन, क्योंकि झटके से यहाँ पहुँचा है तो यहाँ पर प्रेशर डालेगा, तो प्रेशर डालने से क्या होगा करके कि ये थोड़ा सा पीछे को आएगा, तो इससे ये वापस स्प्रिंग घूम के वापस ये जो हैंडल है ये घूम के यहाँ पहुँच जाएगा। और फिलहाल अब जो पिजन था वो वापस कैसे, बार बार टक टक क्यों कर रहा था यहाँ पर, आप देख सकते हो कि वैसे इसको पीछे करने से ही ये चीज़ हो रही है। फिलहाल दोस्तों इस प्रोसेस में ऐसा तो कुछ हो नहीं रहा है कि ये अपने आप चलता रहे। तो फिलहाल
आप देख सकते हो कि अगर ये चीज़ पीछे को मुड़ती है तभी ये एनर्जी रिलीज करके ये हैंडल यहाँ पहुँचेगा और वापस सटकता हुआ यहाँ आ जाएगा। तो फिलहाल अभी ये अटका हुआ है क्योंकि यहाँ पर स्प्रिंग का एक टेंशन है जो कि इसको बांधे हुए है और इसको यहाँ से खिसक के यहाँ जाने के लिए नहीं दे रहा है। तो फिलहाल इसको रिलीज़ करने के लिए आपको पीछे को करना पड़ेगा, तो ये रिलीज़ होकर यहाँ पहुँच जाएगा। तो फिलहाल दोस्तों अब क्वेश्चन ये अराइज होता है कि ये अपने आप कैसे वर्क करता है, कैसे ये बार बार अपने पीछे जा रहा है, कैसे आगे हो रहा है। तो दोस्तों इसमें पिक्चर में आती है पिजन की बॉडी। तो दोस्तों पिजन की बॉडी आप देख सकते हैं कि इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी बिल्कुल यहाँ पर नहीं है, थोड़ा सा आगे को बना कर रखा हुआ। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि जो इसका पिजन की जो टांगे हैं वो थोड़ा सा पीछे की साइड को, पूंछ वाली साइड को है, और जो बॉडी का वेट है वो सारा आगे की साइड को। तो दोस्तों जैसे आप इसको रखते हो तो क्या होता है, तो ये होता है ऐसे, आप देख सकते हो कि पिजन नीचे को झुक रहा है तो ये चीज़ें पीछे को आ रही है, तो यहाँ से रिलीज होकर ऊपर को जाएगा। पर जैसे ऊपर को आएगा पिजन तो दोस्तों उसका जो बॉडी का वेट है, क्योंकि सेंटर ऑफ ग्रेविटी आगे को लग रही है, तो जो बॉडी का आगे वाला वेट है तो वो उसको वापस झुकाने की कोशिश करेगा। जैसे झुकाने की कोशिश करेगा तो ये सटक के वापस ऊपर आ जाएगा। तो दोस्तों ये है मैकेनिज्म जिस तरीके से ये चलता है। तो दोस्तों इसमें सिर्फ कुछ नहीं है, टेंशन बची हुई है स्प्रिंग के अंदर, वो रिलीज़ कर रही है एनर्जी, रिलीज़ कर रही है इस हैंडल के थ्रू, और ये हैंडल एक तरह से इस खांचे के अंदर फिट हो रखा है। और फिलहाल ये सिर्फ अपनी मर्जी से कहीं मूव नहीं कर सकता है, बस ये इस लेग की मूवमेंट से मूव कर सकता है। तो फिलहाल अगर पिजन का आगे वाला हिस्सा भारी है तो उसकी वजह से ये पिजन नीचे को गिरेगा, और उसकी वजह से क्या होगा दोस्तों, आप देख सकते हैं कि ये जो मैकेनिज्म है, ये अगर इसका शरीर आगे वाला नीचे को झुकेगा तो ये अपने सटक के यहाँ आ जाएगा, उसका ये वापस इधर चला जाएगा। तो दोस्तों ये कुछ नहीं है, एक तरह से टू एंड फ्रो मैकेनिज्म है जिसके जरिए ये स्प्रिंग अपनी एनर्जी रिलीज कर रहा है इस हैंडल के थ्रू, और आपको पिजन की मूवमेंट देखने को मिल रही है। तो दोस्तों अब आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे ये मैकेनिकल टॉयज वर्क करते हैं। बिल्कुल सेम फिनोमेना होता है हर किसी मैकेनिकल टॉय के अंदर, स्प्रिंग होता है एनर्जी स्टोर करने के लिए, गियर होते हैं एनर्जी ट्रांसफ़र करने के लिए, और इस टाइप का एक खांचे होते हैं ताकि आपकी एनर्जी धीरे धीरे लूज़ करे। तो फिलहाल दोस्तों इस एनर्जी से, जैसे कि इस केस में पिजन की मूवमेंट आगे को हो रही थी, इसी टाइप से इस डोरेमोन में ये जो स्प्रिंग लोडेड है वो इस एनर्जी को रिलीज़ करता है इस डोरेमोन को आगे बढ़ाने के लिए, और साथ में इस जो पुली है इसको मूव करने के लिए दोस्तों। तो फिलहाल अभी ये टॉय ख़राब हो चुका है, काफ़ी टाइम से ये ऐसे पड़ा हुआ था, देख सकते हो कि यहाँ पर जंगाल लग चुके हैं, मतलब रस्ट हो लग चुका है। तो फिलहाल ये वर्केबल कंडीशन में नहीं है। तो फिलहाल इसका भी सेम उसी टाइप का ही मैकेनिज्म है, मैं आपको दिखा देता हूँ। अंदर स्प्रिंग है जो कि एनर्जी को स्टोर कर रहा है, बाद में ये एनर्जी दोस्तों रिलीज़ होती है, और रिलीज़ होती है और ये एनर्जी ट्रांसफ़र होती है इस आर्म को ऊपर, और फिलहाल इसी से ये जो लेग है ये भी ड्राइव होती है। तो फिलहाल मैकेनिज्म दोस्तों हर मैकेनिकल टॉय में सेम ही होता है। तो दोस्तों मुझे लगता है कि आपको आंसर मिल गया होगा कि कैसे एक मैकेनिकल टॉयस वर्क करते हैं। अगर दोस्तों आपके बच्चे आपसे पूछते हैं कि पापा या मामा ये टॉय कैसे वर्क कर रहा है, तो फिलहाल आपके पास एक सेटिस्फैक्ट्री जवाब है। अगर आपको फिर भी समझ में नहीं आया तो सीधे अक्षरों में मैं आपको बता देता हूँ कि आपको क्या जवाब देना है। आपको बताना है कि बेटा इस टॉय के अंदर एक स्प्रिंग है, आप उसको वाइंड करते हो तो स्प्रिंग के अंदर एनर्जी स्टोर हो जाती है। आप खोल के भी दिखा सकते हो, पर फिलहाल मत खोलिए उनके सामने, क्योंकि एक बार आपने खोल दिया तो वो भी प्रैक्टिस करेंगे खोलने की, और आपको पता है कि जो प्लास्टिक के कंपोनेंट्स हैं, ये स्प्रिंग है, ये काफ़ी खतरनाक हो सकती हैं किसी कंडीशंस में। अगर आपका बच्चा छोटा है तो फिलहाल उनके सामने मत खोलिए, अगर आपका बच्चा बड़ा है और वो समझ सकता है करके कि ये मैकेनिज्म क्या है, तो फिलहाल उनको आप खोल के दिखा सकते हो, बता सकते हो कि इस टाइप की स्प्रिंग होती है, घड़ी में बेटा ऐसी ही स्प्रिंग होती है जिसमें आप घुमा घुमा के उसमें एनर्जी स्टोर करते हो, बाद में वो एनर्जी आपकी रिलीज होती है धीरे धीरे करके इसको मूव कराने में। तो दोस्तों सिंपल फंडा, बाइंड करके स्प्रिंग के अंदर एनर्जी स्टोर हो जाती है और वो एनर्जी धीरे धीरे रिलीज करती है उस टॉय को मूव कराने में। तो ये है इसका आंसर। तो दोस्तों इसी के साथ मैं आप इस वीडियो एपिसोड को समाप्त करने जा रहा हूँ। आशा करता हूँ कि दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर दोस्तों पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक कर दें, अगर ना पसंद आए तो इस वीडियो को डिसलाइक कर दें। और दोस्तों आगे मेरे चैनल में इसी टाइप की टेक्निकल वीडियोस, गैजेट्स रिव्यू और मोबाइल फ़ोन रिव्यूज़ के लिए आप हमारे चैनल को देखते रहें। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।